दोस्तों एक बार पुनः आपके नवजीवन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है तो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है तो हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा है पहला है आदिकाल दूसरा है भक्तिकाल तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल तो हम आदिकाल और भक्तिकाल भक्तिकाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में तो रीतिकाल के कौन कौन से कवि थे उनकी कौन कौन सी रचनाएँ थी उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो हम पढ़ पड़े। आज पढ़ेंगे रितिकाल तो रितिकाल को तीन भागों में बांटा है कितने भागों में बांटा है तीन भागों पहला है पहला है रीतिबद्ध रीतिबद्ध दूसरा है रीतिमुक्त तीसरा है रीति सिद्ध अब रीतिबंध में कौन कौन से कवि थे रीतिमुक्त में कौन कौन से प्रमुख कवि कौन से कौन से थे और रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि थे तो रीतिबंध में कवि थे केशवदास और रीतिमुक्त में कौन से कवि थे वो है घनानंद और रीति सिद्ध में कौन से कवि थे बिहारी ठीक है दोस्त ये तो है प्रमुख कवि तो हम रितिकाल के बहुत से कवि हैं उनको कैसे याद रखा जाए तो मेरे पास एक सूत्र है उसके थ्रू हम याद कर सकते हैं दास की, की, की सेना ने भिखारी दास की सेना ने दास की सेना ने बिहारी दास की सेना बिहारी दास की सेना सेना को भूक् मारकर भूक्का मारकर मार आनंद लिया तो दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को सेना को भूखा मारकर आनंद लिया तो भिकारीदास से आ गया दास कवि हैं दास और सेना से आ गया सेनापति और बिहारी से आ गया बिहारी और दास दास से आ गया केशव दास और भुक्का मारकर आनंद लिया तो भुक्का से आ गया भूषण मारकर मार मारकर मार से आ गया पद्माकर आनंद आनंद लिया आनंद से आ गया घनानंद ठीक है दोस्तों तो भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया तो भिखारी से आ गया भिखारी दास सेना से आ गया सेनापति बिहारी से आ गया बिहारी दास से आ गया केशव दास भूखा से आ गया भूषण और मारकर से आ गया पदमाकर और आनंद से आ गया घन ठीक है दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें अब हम बात करते हैं केशव दास के बारे में तो केशव दास ने कौन कौन सी रचनाएं की उनके बारे में हम चर्चा करेंगे या आपको स्क्रीन शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अब हम बात करते हैं केशव दास के बारे में अब केशव दास की रचनाओं को कैसे याद रखा जाए तो मेरे पास एक सूत्र है रामदास जहां रामदास जहां रामदास जहां विज्ञान माला वहां तो केशवदास दास की रचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये सु, ये सूत्र सु, है रामदास जहां विज्ञान माला वहां तो राम से आ गया राम से आ गया रामचंद्रिका रामदास से आ गया रामचंद्रिका ओ जहां से जहांगीर जयचंद्रिका तो जहां से आ गया जहांगीर जय चंद्रिका और विज्ञान तो विज्ञान से आ गया विज्ञान गीता विज्ञान से आ गया विज्ञान गीता और माला से माला से आ गया ठीक है दोस्तों तो रामदास से आ गया रामचंद्रिका और जहां से आ गया जहांगीर जयचंद्रिका विज्ञान से आ गया विज्ञान गीता और माला से आ गया छंदमाला तो केशव दास की रचनाएं हैं आसान चीज आसानी से याद कर सकते हैं अब हम बात करते हैं बिहारी के बारे में तो बिहारी की बिहारी की एक ही रचना है तो बिहारी की रचना है वो है सत सही बिहारी की एक रचना रचना वो है सतसई ठीक है अब हम बात करते हैं पद घनानंद की बात करते हैं घनानंद की तो अब घनानंद के कवियों को कैसे याद रखा जाए तो मेरे पास एक सूत्र है तो ऐसे हम याद कर सकते हैं वो है सुजानंद की बिल्ली ने सुजानंद की बिल्ली ने किया लीलाकांड तो सुजानंद की बिल्ली ने सुजानंद की सुजानंद की बिल्ली ने किया किया कांड ठीक है तो सुजानंद तो सुदानंद से आता है सुजान सागर सुजान सागर एक आती है सुजान संबोधन एक आती है सुजान सागर एक आती है सुजान संबोधन तो की बिल्ली तो रस के बिल्ली रस केली बल्ली उनकी एक ये रचना है रस के केली वल्ली की वल्ली का आ गया रस केलीवल्ली तो लीला से आ गया विरह लीला और कांड से आ गया कृपा कांड ठीक है दोस्तों तो गणानंद की रचना है पहली है सुजान सागर पान रस केवल्ली बाद में है वीर है लीला वन है कृपा कांड तो सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड तो ऐसे से याद रखा जा सकता है तो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो ठीक है दोस्तों यह गणानंद की कविता ही थी तो इस सूत्र के द्वारा हम इसको याद रख 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 सकते हैं अब हम बात करते हैं पद्माकर के बारे में तो अब हम बात करते हैं पदमाकर के बारे में तो हम पदमाकर की कविताओं को कैसे याद रखा जाए तो मेरे पास एक सूत्र और है जगत में राम जगत में राम और गंगा पद पचासा गंगा के पद पचासा यह सूत्र है जगत में राम और गंगा के पद पचासा तो जगत से आ गया जगत विनोद जगद विनोद ठीक है ओ राम से आ गया राम रसायन तो राम से आ गया राम रसायन और गंगा गंगा से आ गया गंगा लहरी गंगा लहरी और पद से आ गया पदाभरण से आ गया पदाभरण और पचास से आ गया पद पचासा ठीक है जगत से आ गया जगत विनोद जगत विनोद राम से आ गया राम रसायन और गंगा से आ गया गंगा लहरी पद से आ गया पद पचासा नहीं पदमा पदाभरण और पचास से आ गया पद पतासा ठीक है आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हम अगले कवियों के बाद जो विकारी दास की बारे में चर्चा करेंगे अब हम बात करते हैं भिकारी दास के बारे में भिकारी दास तो भिकारी दास की दो ही रचना है वो है एक है काव्य निर्णय दूसरी है रास निर्णय तो भिकारी दास की रचना याद रखा जाता है भिकारी का निर्णय भिकारी का भिकारी का निर्णय तो भिखारी का निर्णय तो ऐसे याद रखा जाता है तो दास की दो रचनाएं हैं पहली है पहली है काव्य निर्णय और दूसरी है रास निर्णय पहली है काव्य निर्णय दूसरी है रास निर्णय तो ऐसे याद रखा जाता है भिखारी का निर्णय तो भिखारीदास की दो ही रचना है पहली है काव्य निर्णय दूसरी है राष निर्णय ठीक है अब हम अगले कवि की बात करते हैं भूषण के बारे में तो भूषण की दो कविता है शिवराज भूषण शिवराज भूषण और दूसरी है शिवा भावनी जो शिवाजी के बारे में है तो भूषण की दो ही रचना है वो है शिवराज शिवराज भूषण शिवराज भूषण दूसरी है शिवा भावनी अब हम चर्चा करते हैं एक कवि के बारे में वो है सेनापति के बारे में हम बात करते हैं सेनापति तो सेनापति की दो ही रचना है कवित्री रत्नाकर तो उनकी दूसरी रचना है काव्य क्ल ध्रुम दूसरी रचना क्लभ ध्रुम सेनापति की दो रचनाएं है कवि रत्नाकर दूसरी है काव्य कलभ ध्रुम तो आज हमने बात की रितिकाल के बारे में तो रीतिकाल में कौन कौन से कवि थे उनकी रचनाएं कौन कौन सी है हमने सूत्र के द्वारा उनका उनके बारे में लिखा तो भिकारीदास की कौन सी रचनाएं थी तो काव्य निर्णय और रास निर्णय भूषण की कवि कौन सी कविता कविताएँ थी तो शिवराज भूषण और शिवा बावनी और सेनापति की कौन कौन सी रचनाएँ थी तो कवित्री रत्नाकर और काव्य क्लब ध्रुम तो आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों